चाहता हूं कि जो विचार सुने समाज के बारे में जब चिंतन किया जाता है तो समाज की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, सिद्धांत है, मर्यादा है, सभ्यता है, संस्कृति है, ये सब कुछ हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा अहम स्थान रखती है। शंकरदेव भगवान जाम्बू जी ने जिस समय विश्व में धर्म का प्रवर्तन किया उस समय समाज की जो स्थिति थी, लोवा हुंता कंचन घड़ियो घड़ियो ठाम सो ठाऊं, कथीर वत जिनका जीवन था उनको कंचन की तरह बनाया, कंचन ही नहीं मानव समाज का गहना विष्णु शब्द का मतलब था, मानव समाज का अलंकरण बनाया। जैसलमेर के राजा जय सिंह जी आकर के गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव दो विष्णु भाई मुझे दीजिए मेरे राज्य के शब्द में ले जाकर के मैं बसाऊंगा, इन लोगों को देख करके मेरी प्रजा जीवन जीने की पद्धति सीखी, इन विष्णु बंधुओं का दर्शन करूंगा, समझूंगा परमात्मा का दर्शन हो गया, आप अनुमान लगाइए उन लोगों का जीवन कैसा था, उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं था, उनकी कथनी और करनी आचरण के अंदर अभिन्नता थी, वहां भेद के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन देश का और समय के प्रभाव से इंसान के जीवन में भुलावा भटकावा आना स्वाभाविक होता है। समय के प्रभाव से जब थोड़े थोड़े भटकाव की ओर लोग उन्मुख होने लगे, संयोग ऐसा बना, भगवान जाम्बू जी पूर्व में संकेत दे के गए थे, वही रेवाड़ी के विठल एक संत समाज के साथ में चलते चलते जम हेमरसर में आकर के पड़ाव डालते हैं और वेद वही वाणी का पाठ भक्ति धाम मुकाम से जो वहां अनवरत रूप से चलता था उसकी नाद कानों में पड़ी, जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला आता है विठल उसको चले आया। भगवान जाम्बू जी ने पूर्व में संकेत दिया था एक बार वाणी सुनने से अगर उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दे तो तुम जान लेना मैं जिस विठल की बात कर रहा हूं वही तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वही विठल आज भीलो जी के नाम से विख्यात हुए। और कहते पूर्व जन्म में शांति सा नाम के एक राजा थे जिनके नेत्र की ज्योति चली गई थी, भीलो जी महाराज ने जब वो वेद भाई वाणी को दोहराया तो पहले से जो पोशाक दी गई थी उसको दिया, दीक्षित हुए सम्राट दोहरे पे पहुंचे, गुरुतार बाबा मैं आया शरण प्यारी तेरा अपराधी, इस साखी के बोलने के साथ उनके नेत्र की ज्योति वर्ष लौट आई। भीलो जी महाराज ने पूरे समाज के अंदर भ्रमण किया और देखा लोग भटक रहे थे, विचलित हो चुके थे, लेकिन सजनों वो एक सामान्य महात्मा नहीं, साधारण संत नहीं, फिर भी उनको लगा ये लोग कहने से मानने वाले नहीं है क्योंकि स्थिति ऐसी उपस्थित हो चुकी है। भीलो जी महाराज जोधपुर के दरबार में पहुंचे, उस जमाने में राजा और महाराजा लोग चमत्कार को नमस्कार किया करते थे, जब भीलो जी के दर्शन किए ऐसे समय में मतीरे और सिटियां मांगे गए, भीलो जी ने चादर में हाथ डाला तस्य राजा को प्रदान कर, राजा चरणों में नतमस्तक हो गए और जोधपुर दरबार कहने के महाराज मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे आप आदेश कर। भीलो जी ने कहा मुझे खूंटा चाहिए, कोरोड़ा चाहिए, 5 सिपाही चाहिए और मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द राज आज्ञा की तरह माना जाए। जोधपुर दरबार ने सहर्ष स्वीकार किया, भीलो जी महाराज प्रत्येक विष्णु के गांव के अंदर पहुंचे, चौपाल में खूंटा गाड़ा, गांव का जो मुखिया था उसको उस खूंटे से बांध करके बेरहमी के साथ इतनी मार मारा कि सपने में भी जज ज्यादा भीलो जी दिमाग में घूमना शुरू हो गया, गुरुदेव आज के बाद मैं नित्य निमित्त निषेधात्मक किसी भी कर्म की अवहेलना नहीं करूंगा, यह कर्म अनवरत रूप से चलता रहा, पूरे समाज के अंदर अभियान चलाया, एक मॉनिटर की व्यवस्था की, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में एक मॉनिटर बनाया जाता है, मॉनिटर से डर इसलिए लगता है वो शिकायत टीचर को करेगा तो टीचर हमें दंडित करेगा, दंड देगा, सजा देगा, इसी तरह से सहा प्रत्येक गांव स्तर पे
एक मॉनिटरी व्यवस्था की, एक पंच की नियुक्ति की, ताकि पंच पूरे गांव के लोगों को निगाह रखे। कोई मर्यादा तोड़ तो नहीं रहा है, कोई सिद्धांत की अवहेलना तो नहीं करा है। 29 नियम से एक भी नियम की अवहेलना हो वो समाज का दोषी माना जाता था। समाज स्तर पे, गांव स्तर पे पंच पंचायती होती, अगर गुनाह कबूल कर लेता तो लोग उसको माफ कर देते थे, आना जाने करते, उसको दंडित करते थे। दंडित करने से नहीं माने, समाज से बहिष्कृत तक किया जाता था। और उसके बाद अगर कोई सिर उठाता, मुक्तिधाम मौका और जांभा के अंदर दो ऐसे स्थान बनाए जहां समाज की पंच और पंचायती हुआ करती थी।